जो सीखने वाला होता है ना वो हमेशा जवान रहता है, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 80 साल का हो। और जो सीखना बंद कर देता है वो अपने जीवन से पहले ही बुढ़ा हो जाता है। अगर 20 साल का ही कोई बच्चा हो सीखना बंद कर दे, मतलब समझ लो उसका उम्र खत्म। तो हमेशा मनुष्य को क्या करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए नया नई चीजें। एक देश में एक लड़का था, बहुत अच्छा तीरंदाज था, बहुत अच्छा, मतलब उस समय के जितने भी तीरंदाज थे उनमें सर्वश्रेष्ठ था। लगातार वो अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई करता रहता था, उनको चुनौतियां देता था और बहुत मतलब उनको हराता भी था, समझ रहे हो कि नहीं। उसका नाम पूरे जो राज्य में, राज्य के बाहर भी बहुत तेजी से फैलने लगा और अपनी बातों को रखता भी था कि हाँ हमसे बड़ा धनुर्धर कोई है नहीं। अब हुआ क्या कि जब लोगों से वो ये कहता कि हमसे बड़ा धनुर्धर कोई है नहीं, तो लोग कहते तुम बढ़िया हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मानते हैं, लेकिन तुमसे भी श्रेष्ठ अभी भी जिंदा है। वो कौन है कि इस देश के एक सेनापति हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उनसे बढ़िया धनुर्धर अभी कोई है नहीं और अभी वो जीवित है। हाँ ये अलग बात है कि उन्होंने एक सम उम्र के बाद उन्होंने ये राजपाट का त्याग करके अपने जो कार्यभार से मुक्त होकर वो किसी जगह चले गए हैं जंगल में और वहीं पे तपस्या वगैरह कर रहे हैं। तो अब उसको ये बात खटकती थी, यार सही बात है हम तो सबको हरा देते हैं तो उनको भी हरा देंगे और लोग हमको मतलब अभी भी श्रेष्ठ नहीं मान रहा। अभी भी जब भी कहते हैं लोग कहते हैं हाँ तुम बढ़िया हो लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो, अभी भी कोई है। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम उन्हीं को चुनौती दे दें और उनको हरा दें, जब उनको हरा देंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। तो वो एक दिन उनके खोज में निकल पड़ता है, जाता है जाता है। उसको उन लोगों ने बताया था कि इस पर्वत के पास एक झील है, उसी के किनारे कुटिया बना के वो रह रहे हैं। जाता है तो उस कुटिया में के बाहर वो किसानी वगैरह वो कर रहे थे, उनके पास पहुंचता और उनको प्रणाम करता है और बोलता है कि मेरा नाम ये है और मैं इस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। और लोग मुझसे ये कहते हैं कि नहीं आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो मैं आपके सामने आपको चुनौती देने आया हूँ और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने आया हूँ। तो देखते हैं मुस्कुराते हैं, अब वो कहता फिर और हंसने लगता है कि हम आंख मूंद के मार सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं, हम हवा में कोई चीज रहे जो उसको मार सकते हैं, तो हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो अब और मुस्कुराते हैं, फिर वो मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसका और पारा चढ़ जाता है कि यार इधर हम अपना बता रहे हैं और ये मुस्कुरा रहा है। तो बोलता है कि अभी हम आपको चुनौती देना चाहते हैं, बताइए क्या करना है, आइए दो दो हाथ हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा चुनौती तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो चलो देख ही लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई युद्ध तो होगा या जो भी नियम रखा जाएगा उसमें मेरा भी एक बात होगी, उसको मानना पड़ेगा। बोला हाँ क्यों नहीं मानेंगे, हम चुनौती देने आए तो बात भी तो मानना पड़ेगा। ठीक है हम मानेंगे आपकी सारी बात। अब होता क्या है कि वो जो वहां के सेनापति हुआ करते थे उसको लेके जाते हैं, कहते चलो मेरे साथ एक जगह बताएंगे वहीं पे होगा जो भी प्रतियोगिता होगी तुम्हारे हमारे बीच में। तो अब उसको लेके चल देते हैं, उनके पीछे पीछे जाता है जाता है जाता है, उनको लेके जाते हैं। दो पहाड़ के बीच में एक जगह रहती है, खाई रहती है, उसमें एक छोटा सा पुल बना होता है। पुल बहुत ही जर्जर अवस्था में था, अब उस पे जाना भी बड़ा मुश्किल था। अब वो आंख मतलब ऐसे जो वो थे वो उसी पुल के बीचों बीच जाके खड़े हो गए और उसको बुलाए कि आ जाओ। उसको डरने लगने लगा क्योंकि जर्जर अवस्था में कहीं ऐसा ना हो कि ढह जाए और हम भी नीचे चले जाए। यहाँ श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आए थे, पता चला कि जहां उनसे हाथ धो बैठे। ठीक है तो अब वो जाता है, लेकिन भाई अब चुनौती तो दिया है तो बात माननी पड़ेगी। जाता है बीच में खड़ा होता है तो उसको बोलते हैं कि वो देख रहे हो पहाड़ ऊंची चोटी, उस पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे तुम निशाना लगाओ। समझा? तो ये अपना तीर कमान उठाता है, तीर लगाता है, निशाना मारता है एकदम तेजी से, लेकिन लगता नहीं है, चूक जाता है। चूक क्या जाता है, बहुत दूर से चली जाती है तीर। तो अब फिर इसको भी बोलता है वो कि भैया हम तो नहीं चूक गए लेकिन आप भी दिखाइए हमको। वो उठाते हैं तुरंत। ठीक है तो अब होता है क्या है कि वो पूछता है, चरण में उनके गिर जाता है और पूछता है प्रभु बताएं इसका राज क्या है।
आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में, इसने विपरीत परिस्थिति में भी लक्ष्य का वेधन कैसे कर लिए? तो वो जो सेनापति थे वो उनको समझाते हैं कि बेटा देखो होता है क्या है, इंसान जब सीखता है तो सीखते रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसको इस बात का भी ध्यान हो कि हर एक परिस्थिति में उसको अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। तुम जब यहाँ पे आए, तुमने यहाँ पे जब ये देखा तो तुम्हारा ध्यान भग्न हो गया, तुमने इधर उधर की बातें सोचने लगे, तुमकी ये कैसा जर्जर है, तुम्हारा ध्यान चारों तरफ फैल गया। अगर ध्यान चारों तरफ फैल गया तो तुम फिर लक्ष्य नहीं देख पा, ठीक है। तो अब कहता है उनसे बता, वो उनसे और कहते हैं कि बताते हुए कि देखो होता है क्या है कि श्रेष्ठ हो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा तीरंदाजी करते हो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आजीवन तुमको ये नहीं मानना होगा कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमेशा सीखते रहो। जब सीखोगे तो ये पाओगे एक दिन कि तुम सबसे आगे खड़े होगे हर एक पंक्ति में। तो ये बातें हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि आजीवन हमें क्या करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। कोई भी चीज, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, सीखते रहो, कोई नया चीज सीखना हो सीखो, अगर कहीं तुमको लग रहा है किसी चीज में कमी हो रही है उसको सीखो, लेकिन कभी सीखना छोड़ना नहीं चाहिए, उम्र के बाद भी सीखते रहना चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया फिर भी समाज में क्या चल रहा है उसको सीखो, समझ में नहीं। तो इस कहानी का यही सार है कि जीवन भर हमें सीखते रहना चाहिए, और कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपसे श्रेष्ठ कोई है तो आप उनसे विनम्र होके उनसे सीखिए, समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुमको लगता है कि किसी कार्य में तुमसे निपुण कोई है तो उसे सीखने की कोशिश करो, यही इस कहानी का सार है।